क्या आपके घर में आपके घर वाले आपके विरुद्ध होते हैं? क्या आपको मालूम है प्रभु यीशु का मजाक उनके घर में उड़ाया गया? क्या आपको मालूम है प्रभु यीशु के अपने घर वालों ने उन पर विश्वास नहीं किया? जो याकूब की पत्नियां पढ़ते हैं, याकूब भी उनका अपना भाई मतलब यूसुफ का बेटा, वो भी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद विश्वासी बनता है। तो उनके घर वाले भी उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनके घर वाले भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी बुलाहट को एक्सेप्ट नहीं करते, उनका मजाक उड़ाते। आपको कैसा लगता है जब आपके घर में रिजेक्शन होता है? क्या आप उस परीक्षा को, उस संकट को जब आप जाते हो, क्या आप तकलीफ में खोजते हो परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं? क्या आप सोच सकते हो, क्या आप समझ रहे हो कि प्रभु यीशु भी उसी प्रकार से रिजेक्शन फील किए थे? जब कोई अपने घर में रिजेक्शन फील करता है, उससे हार्ट ब्रेकिंग कुछ नहीं होता। क्या आप समझ सकते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु भी वैसे ही रिजेक्शन फील किए जिससे आप फील किए? अरे वो तो परमेश्वर का बेटा है, उसके लिए तो ये बात मायने नहीं रखती। नहीं, जो रिजेक्शन हम फील करते हैं, वही रिजेक्शन उसने महसूस किया। उसको मालूम था घर का हिस्सा होके घर में नकारे जाने का मतलब क्या है। एक कहानी में उसके माँ और उसके भाई आते हैं, तो उससे चले कहते आपके माँ और भाई आपसे मिलने। बोले मेरे भाई और माँ कौन है? वो है जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। आमेन। और साफ बता दिया, मेरे लिए गॉड के हाउस में जो फेलोशिप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसको मालूम था रिजेक्ट होना क्या होता है। तभी कहता है ना कि मनुष्य के अपने घर वाले ये उसके दुश्मन बन जाएंगे। और फिर ये भी कहते जो अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करता मेरे योग्य नहीं। ये भी कहते अगर दुनिया ने मुझसे नफरत की तो वो तुमसे भी नफरत करेगी। जब लोग हमसे नफरत करते हैं, जब लोग बिना कारण हम पे आरोप लगाते हैं, हमको सताते हैं, जब प्रभु के पीछे चलने के कारण हम पे तकलीफें आती हैं, हमको खराब लगता है। बिल्कुल लगता है। आप प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आप अपने स्वर्गीय पिता के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, आप प्रार्थना करके आपने मन बनाया, आप दिन रात प्रार्थना करते हो प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, और आप ही का सबसे कोई करीबी जब आपको डिस्करेज करे, आपको कैसा लगता है? वो बातें जो आपको अफेक्ट करती हैं, उसको भी अफेक्ट करती। प्रभु का दोस्त मरा, प्रभु रोए। नो डाउट वहां लिखा है कि प्रभु लोगों के अविश्वास के कारण रोए। वो कहता है मानव पुत्र के पास सिर ढकने की जगह नहीं, चिड़िया के पास भी घोंसले होते, मानव पुत्र के पास सिर ढकने की जगह नहीं। अनसेटल्ड लाइफ। आपको धोखा जब मिलता है कैसा लगता है? प्रभु यीशु को भी धोखा मिला, उसके अपने ने जिसको उसने दोस्त कहा। अरे वो तो परमेश्वर के रूप में जानते थे यस, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति से प्रेम। तो उस जो बिट्रेयल के पेन को उन्होंने फील किया, वो दर्द को जब एक आदमी को धोखा दे दिया जाता है, उस दर्द को उन्होंने फील किया। क्या आपको अपने लोगों की चिंता होती? प्रभु यीशु को भी। इसलिए आप यूहन्ना 17 पढ़िए, देखिए उन्होंने प्रार्थना की उन विश्वासियों के लिए, आज नहीं हमेशा के विश्वासियों के लिए जो उन पर विश्वास करेंगे, कि वो हमेशा एक रहे, उनके प्रोटेक्शन के लिए। एक बार गुस्से में उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। तो जब अनबिलीफ का एनवायरमेंट हम लोग को तंग करता है, क्या जीजस को तंग किया? दूसरी जगह भी अनबिलीफ था, प्रभु ने वहां चमत्कार नहीं किए, नहीं कर पाए। आप बोलेंगे वो तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते, बट एज ह्यूमन जो बातें हमको इफेक्ट करती है उनको भी इफेक्ट। जीजस के भी अपने दोस्त थे, मैरी, मार्था, लाजरुस, यीशु के दोस्त। तो यीशु ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताते थे। एज ह्यूमन जब हम लोग के दोस्त होते हैं, यीशु की भी प्रेफरेंस थी दोस्ती की। बहुत से लोग उसके अगल बगल थे, अपने चेलों को भी उन्होंने दोस्त कहा, लेकिन ये तीन जो थे उनके खास दोस्त थे। बट अपने डेथ में अपने सारे दोस्तों से, अपने करीबों से उनको अलग होना पड़ा। पेन, वो सफरिंग, वो सब बातों में परखा गया। तो हमारा जो महायाजक है वो जानता है कि हम किन बातों से गुजरते। जब हम उस ह्यूमन पेन में होते और हम प्रार्थना करने जाते, वो हमको फील कर पाता है। वो जानता है कि ह्यूमन होना कैसा लगता है, लिमिटेशंस के साथ जीना कैसा लगता है, परिस्थिति हमारे हाथ की नहीं होती कैसा, जब दिल टूटता है कैसा अनुभव होता है, जब शारीरिक दर्द होता है कैसा होता है, जब मानसिक रूप से हमको दर्द होता है, जब रिजेक्शन हम फील करते हैं तो कैसा फील होता है। तो यहाँ इब्रानी की जो उसने लिखा है कि हमारा जो महायाजक है, वो दो बातें हमको समझाना चाहता है कि वो इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि वो समझता है, वो हर उस परीक्षा से गया है जिससे हम गए, और दूसरी बात वो पूरा इंसान है। आज भी प्रभु यीशु पूरा इंसान। आप बोलेंगे परीक्षाएं क्यों है? क्योंकि बिना परीक्षा के कोई स्वतंत्रता नहीं है, बिना परीक्षा के कोई चुनाव नहीं है, बिना परीक्षा के कोई प्रमोशन नहीं है। आप इस लाइफ के डेजर्ट को ऐसे फील करिए जब विल्डरनेस में हम लोग निर्जन प्रदेश में हो, वो हम लोग गाना गाते हैं ना, जब मैं चलूं निर्जन भूमि में धन्य होवे नाम। हमें जब आपको प्रार्थना के आंसर्स नहीं मिले, जब सब कुछ लाइफ में ड्राई लगे, जब लगे कि ये सीजन लाइफ का कभी खत्म नहीं होगा, जब लगे कि ये प्रोमिसेस कभी फुलफिल होंगे कि नहीं, अच्छे अच्छे अटेम्प्ट हो जाते हैं। क्या आप कमजोर हैं? क्या आप तकलीफ में हैं? क्या आप भी जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्या आपको भी अकेलापन लगता है? क्या आप हार हार के थक गए?
क्या आपके पांव बार बार लड़खड़ा जाते? क्या परीक्षाओं का मतलब ही है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है ऐसा लगता? क्या परीक्षा पे जय पाना चाहते? आज से मन में ठान लीजिए, मुझे प्रार्थना का व्यक्ति बनना है।